छत्तीसगढ़ में हो रहे विधानसभा चुनाव के चलते कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर राजीव भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी की ओर से घोषित महतारी बंधन योजना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की कोई योजना संचालित ही नहीं है, वहीं इस योजना के नाम पर फर्जी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। बीजेपी नेता जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि कांग्रेस ने साल 2018 में घोषणा पत्र के आधार पर 68 सीटें जीती थी और वादे के मुताबिक सभी हितग्राहियों को राशन कार्ड दिया था। इसके साथ ही इस बार भी पहले की तरह किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2011 के सर्वे में जिनके नाम नहीं थे उनके लिए फिर से सर्वे कर आवास दिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने इसके पहले 2018 में घोषणा पत्र के जरिए 68 विधानसभा सीटों में जीत हासिल की थी। उन घोषणा पत्रों में जो वायदे किए गए थे उनमें से अधिकांश वायदे कांग्रेस पार्टी पूरा करने में सफल रही थी, विशेष करके किसानों का कर्जा माफ के बारे में कहा गया था, सभी को राशन कार्ड देने की बात की गई थी और 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी की बात कही गई थी। इसके अलावा और अनेक बहुत से वायदे थे, लेकिन प्रमुख तौर पर इन वायदों को फोकस किया गया था। जिस दिन सरकार बनी उसी दिन किसानों का कर्जा माफ किया गया। उसके बाद पूरे राज्य में जो वायदे के मुताबिक सभी को राशन कार्ड दिया गया। अब इन 5 सालों में अनेक लोगों की तरफ से आवेदन आया कि परिवार बढ़ गया है, बेटे की शादी हो गई है, हमको राशन कार्ड अलग करना है। पहले गरीबी रेखा के नीचे जिनका नाम होता था राशन कार्ड केवल उनको दिया जाता था।